अरे भारती जी, भारती जी, हर्ष भाई इतना पतले क्यों हो रहे हो आप? अरे क्या अपना लाया? अरे ओ भाई, तेरे को इतना छोटा क्यों? हर भाई हमारा 2 मिनट कर ना मान। सारा मीडिया चाहता है शैलेश की तरह फेमस होना, लेकिन भाई आप बस अपना अपना ही रहना। आपका सोलो कर दे भारती जी। चलो हो गया, भारती जी आपका सोलो, आपका सोलो। भारती जी रुको ना, नहीं नहीं अंदर नहीं, 5 मिनट में कपड़े बदल के आती हूँ। आप ऐसे ही स्मार्ट लग रहे हो। 5 मिनट में कपड़े बदल के आती हूँ। एक बार और बोल दीजिए। अरे कड़ा मैम, खाना खा लिया ना? कैसे रवि का थोड़ा पाव मंगाओ। हाँ हाँ, ओके ओके, बाय ओके, बाय बाय बाय। तो बोल लीजिए मैम। एक बार कैसे हो मैम? मम्मी मेरे लिए भी फोटो खींचना। मैम इधर, मैम इधर, जाने है ना। और मैम अब आदित्य जी कैसे? अब नया शो की शुरुआत हो रही है। बाकी एक ग्रुप बाइक, एक एक मिनट, एक फंदे को कोई डांटेगा नहीं यार, मारो एक दूसरे। Firstly, very very big congratulations for your new show, ma'am. Thank you so much. गेम शो फिर से लेकर आ रही है, क्या कुछ एक्साइटमेंट है, क्या कुछ? बड़ी एक्साइटेड हूँ यार मैं तो, मेरा लिगामेंट टेयर है। जब मैं खतरों के खिलाड़ी में गई थी, वहाँ एक कुत्ते वाले स्टंट में मेरा पैर टूट गया था। मेरे खुद हंसी आ रही है, डॉग्स को मैं इतना प्यार करती हूँ और मेरा पैर उन्हीं की वजह से टूट गया। सो मैं गेम खेल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं गेम खिलाऊंगी, लोगों को पानी में गिराऊंगी। थैंक गॉड, मतलब कि मैं नहीं पानी में गिरूंगी, वरना लोग कहेंगे गई भैंस पानी में। लेकिन अभी तो उतनी सेहत भी नहीं रहेगी, मैं काफ़ी पतली हो गई, मुझे किसी ने कहा नहीं। ओह गॉर्जियस, थैंक यू सो मच। और बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं गेम शो को लेकर अंदर। आई थिंक अब अभी आप लोग गए नहीं, आपको विजुअल ज़रूर मिलेंगे। बड़ा कलरफुल सेट है, मतलब जैसे ही आप यूट्यूब में भारती टीवी सर्च करेंगे, आपको एक आंखों को ठंडक मिलती है ना, कलरफुल अच्छा लगता है, तो वैसा सेट है और बहुत मज़ा आने वाला है। होप सो कि एक एपिसोड हम मीडिया के साथ भी करें। हम चाहते हैं कि मीडिया वालों को भी पानी में गिराएं और उनके भी कच्छे गीले करवाएं, और फिर क्योंकि इधर सब कुछ होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। हेलो, यस मैम। अच्छा, सो मैम जिस तरह से खतरा खतरा को रिस्पांस मिला था, ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी उसको देखने के लिए, बहुत अच्छा रिस्पांस दी थी। सो इस बार क्या कुछ नया दिखाने वाली है या फिर किस तरह से सेलिब्रिटी आएंगे, क्या कुछ बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, इस मतलब इसमें 70 से ज़्यादा सेलिब्रिटी आ रहे हैं, 70 से ज़्यादा, और खतरा खतरा का जो लेवल था उससे ये 10 गुना लेवल बड़ा है, उससे ये 10 गुना सेट बड़ा है, उससे ये 10 गुना प्रॉप बड़े हैं, और उससे 10 गुना मैं छोटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन मेरी एक बार मैं सोफे पे बैठी, वहाँ सेफ्टी पिन पड़ी थी, मेरी हवा निकल गई। नहीं नहीं, मैंने खाने पीने में बहुत कंट्रोल किया यार, और अंदर 10 गुना बड़ा हो रहा है, और आपने देख ही लिया होगा सब। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये टीपी ग्लोबल है हमारे स्पॉन्सर। उन्होंने जब भारती और हर्ष का नाम सुना, उन्होंने बोला हम आपके शो को स्पॉन्सर करेंगे, तो इतने खुश हुए कि यस, लोग पसंद करते हैं अभी भी। बस मुझे डर लग रहा है, मैं एक ही बात बार बार बोली जा रही हूँ कि पता नहीं, आज फर्स्ट डे शूट है, अच्छा होना चाहिए, सब खुश होकर जाने चाहिए और मज़ा आना चाहिए और हंस के जाने चाहिए बस, क्योंकि आजकल की लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है और इतने सारे लोग घर में बैठे हैं, आधे लोगों को काम से निकाल दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे कारण हंस लें तो मज़ा आ जाएगा। या अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, उसमें क्या कुछ दिखाने वाली हैं, किस तरह के एपिसोड? अपनी दिवाली तो यही है, और बस ये दिवाली अच्छी निकल जाए, क्योंकि हम 1 तारीख तक शूट कर रहे हैं और बड़ा डर लग रहा है। फेस्टिव बीच में कई चीज़ें हैं दिवाली में, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं,
वो आपको जब आप शूट पे रोज आया करोगे आपको तब पता चलेगा कि कौन कौन आ रहा है। अभी भी आप देखना एक एक करके सब लोग आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत मज़ा आ रहा है, पैसा अपना लगा है बहुत ही। अभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता तो ऐसे होता है इसको कहाँ से मिली है, हाँ फ्लोर बंद करो ना एसी हवा की बाहर आ रही ऐसे। अब पता चला कि यार प्रोड्यूसर लोग मतलब कैसी उनकी जान जलती होगी, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी शो में काम किया मैंने अपने प्रोड्यूसर को तंग नहीं किया, ना ही मैं लेट आई हूँ ना मैं कुछ, मैं हमेशा टाइम पे आती थी और टाइम पे सेट पे पहुँचती थी। जिस तरह से ऑडियंस की एक्सेप्टेंस आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ऑडियंस जिस तरह से प्यार करती है? बहुत। अभी ये कोई जी टी वी, कोई कलर्स, कोई सोनी स्टार प्लस का शो नहीं है, भारती टीवी खुद का मेरा चैनल है उसका शो है, तो मैं बहुत डरी हुई। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज़ सोच समझ के बोलनी, किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी धर्म को, किसी जाति को या किसी को पर्सनली हर्ट ना हो जाए, तो बहुत चीज़ें ये सोच सोच के करनी है। और कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, बड़ा डर लगी जा रहा है। मैम लास्टली क्या कुछ अपने फैंस को बोलना चाहेंगे? फैंस को कहूँगी कि बस यार भारती टीवी पे द इंडियन गेम शो आ रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा गेम शो है, प्रॉप चाहे आर्टिस्ट हो चाहे जो भी हो आप देखना, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, आप भी देखना लग नहीं रहा देखोगे ऐसे कर देखना, डांस मत देखते रहा करो यूट्यूब में लड़कियों का, मेरा भी देखना डांस नहीं गेम शो, और सब्सक्राइब भी करना, बस पता चल जाएगा मुझे। थैंक यू। किसको? क्रिकेट ना क्रिकेट है, बस बता दो कब होने वाला है। कल होने वाले हैं। यार मैं कितनी बार कहती हूँ मुझे इतने समझदारी वाले सवाल ना पूछा करो, मेरी पूरी तो दुआएं हमारे इंडियन है, वी आर इंडियन और भारतीय हैं, पूरी इंडिया के साथ दुआएं हैं कि इस बार मज़ा आ जाए, इस बार भारतीय टीवी और इंडिया की टीम, भारतीय टीवी और भारतीय इंडियन की टीम मज़ा कर दे और बस मज़ा आ जाए। क्यों भाई हमारी टीम एक बार हारी नहीं है वर्ल्ड कप है, तो अब भी नहीं हारेगी, अब भी नहीं हारेगी, मेरा कल भी शूट है उनका कल मैच है, तो इंडियन टीम और ये भारतीय दोनों टेंशन में रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। किसी ने नहीं, मेरे दो तीन बार मैंने ऐसे किया, किसी ने नहीं पूछा मेहंदी क्यों मेहंदी लगाई आपने, किसी ने नहीं पूछा आप लोगों का क्या करवा चौथ। यस 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 यस, हाँ कल करवा चौथ और चांद अपने साथ ही है, पानी में गिरेगा चांद बार बार, और दुआ करूंगी कुछ चोट ना लगे उसको, और कल करवा चौथ है ना, एक बार मेहंदी दिखा दीजिए दोनों। आए हेलो, ये लीजिए इधर इधर ये वाला, ये लो ये लो ये लो ये लो, हर्ष भी लिखवाया है, एक तरफ राजू लिखवाना था बट क्या हर्ष भी करने वाले क्या? हाँ हर्ष करने वाले, हर आधे आधे घंटे में खाने वाले हैं वो, और वो मुझे भी बोलते क्या करती है ये, क्यों भूखे रहते हो तुम लोग, तो हिंदी वहिंदी लगा के बैठ जाते हो, वो तो बहुत चिल्लाता है कि क्यों व्रत रुत रखते हो उससे क्या होता है। मैंने बोला अपनी श्रद्धा है यार, अब जो संस्कृति चलती आ रही है वही वो रखना है, अब कल भूखे पेट काम करूंगी मैं, प्रोड्यूसर की वाइफ हूँ, कल भूखे पेट काम करूंगी मैं, ठीक है। और आप लोग भी अपने घर जल्दी चले जाना, बीवियाँ जो पान वाला चांद है देखने के लिए तरसेंगी, और ये गलत वाली उंगली पे क्यों लगी है, किसको किया था? और डाल दिया था उसने। अरे भैया आप खड़े थे, विजुअल सब को चाहिए विजुअल, मैम हट जा सब, मैम लेफ्ट, मैम मेहंदी, मैम मेहंदी भारती जी मेहंदी के द्वारा, एक मिनट हो गया तो सारे, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट हो गया भाई, हो गया ना, वीडियो बना दो ना मेरे को आप। अरे मैडम एक फोटो करते हैं, मैम मैम एक पार्टी में, एक बार हाथ हाथ मेहंदी मेहंदी हर्ष हर्ष पहले फोटो खींच ले, अरे 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 ये क्या बात, ये बात जरे बंदे का नाम क्या है, ठीक करके आए हैं चलिए, हां भाई ऐसे है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे 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 टेबल लगा, टेबल ने गिरा कर रख दिया, पीछे तो आ जा, बताओ ये फोटो।
करना ये भाई कोई ग्रुप पहले ग्रुप फाइट होने दे बाद में ग्रुप फाइट हो गया ना तुम लोग साथ में हर्ष भाई नहीं पहले होने दी जैसे मैडम मेहंदी मेहंदी वाली मेहंदी हर्ष भाई आप लगाए हो चलो कर लेते ग्रुप फाइट ग्रुप फाइट मैडम जी ये मेरे फेवरेट है चलो रेडी लोग राइट आपके राइट लेना आपके सेंटर में सोलो 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 अरे भारती जी भारती जी अरे पांडे पीछे ना पांडे पीछे अरे पांडे पीछे पीछे पांडे पीछे फोटो रहा फोटो रहा जो एक बार और रोड हर्ष भाई दादा अरे दादा हमारा क्रॉप सेंसर है आपका फुल फ्रेम है थोड़ा पीछे आओ ना चला जाओ हर्ष भाई सामने देखो आपके Bacterial infection and basically there was one butt over my butt and for 6 days वो burst ही नहीं हुआ इतना बड़ा 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 होके finally कल वो burst हुआ finally उसको मेरे photos भी भेजे अच्छा वो set के भेज रहे तो ये भेज रहे हाँ बोलिए So Indian Games शो फिर से start होने वाली है खतरा खतरा शो के बाद क्या कुछ excitement है बताना चाहेंगे बहुत excited है हम लोग एक तो बीच में जो pandemic आ गया तो वैसे भी हम लोग घर पे बैठे थे और बैठे बैठे जो है शरीर बहुत लूज हो गया है तो इसीलिए अब हम गेम्स खेल के इसे फिर से सख्त बनाने वाले हैं हाँ हाँ बहुत मज़ा आ रहा है यार हर्ष और भारती ने कुछ सोचा है अच्छा ही सोचा है एक था खतरा खतरा जिसकी वजह से आई पर्सनली फील स्पेशली हर्ष भारती का छोड़ो मेरा आदि का बहुत फायदा हुआ है लोग हमें अलग तरीके से देख रहे हैं और बहुत लाइटर नोट में हमें देखा है काफी कॉमेडी शोज किए हैं हमने और काफी माल दबाया है इसीलिए ये वाला हम फ्री में कर रहे हैं ऑलमोस्ट तो इस बार किस तरह की तैयारियां चल रही है आप दोनों बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की हमने एक्चुअली क्या है ना कि हर्ष और भारती हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं वो हमें कहीं भी बुला ले हम दौड़े चले आते हैं 100% और यू नो मोर देन देम बीइंग होस्ट या प्रोड्यूसर्स वो बहुत अच्छे लोग हैं और यू नो हम इतना काम कर चुके हैं हम रोज़ इतने लोगों से मिलते जुलते हैं लेकिन बहुत कम लोगों के साथ एक यू नो फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है तो मेरे और पुनीत के लिए भारती एंड हर्षा लाइक फैमिली करेक्ट तो इसीलिए जब उनका फ़ोन आता है तो हम हालांकि हमें बहुत सारी जगह ऑफर्स आते हैं और बहुत सारा धन भी दिया जाता है लेकिन मन यहाँ पे हाँ मन यहाँ पे है और इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ये लोग कुछ नया कर रहे हैं पहली बार वेब स्पेस में हर्ष और भारती आए हैं तो इट्स वेरी एक्साइटिंग क्योंकि जो यूथ है हमारे देश की वो अब वेब की तरफ बढ़ चुकी है आप वेब सीरीज़ देखें वेब फिल्म्स देखें या आप जितने भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी एक ऐसा फैक्टर है जिसे हर्ष और भारती अपने YouTube चैनल पे ला रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके पास ओके जिस तरह से अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है करवा चौथ आने वाला है और भारती ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई आप दोनों की भी वाइफ मेहंदी लगाई होगी किस तरह से तैयारियां चल रही है घर पे मुझे इसका पता नहीं है मेरी बीवी ने करवा चौथ नहीं रखा है एंड रखना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से हर एक की अपनी अपनी माननी होती है अगर वो रखेगी तो मैं भी रखूंगा मेरा मानना वो है बट इट्स द फीलिंग एंड फेस्टिव सीजन आ रहा है चाहे नवरात्रि गया हो करवा चौथ हो या दिवाली आने वाली है मज़े मजाक फैमिली वाला फील होता है अच्छे लोग मिलते हैं अपने लोग मिलते हैं तो ये फेस्टिव सीजन ही है हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ श्वेता कल यहीं आ रही हैं क्योंकि कल भी हमारा शूट है तो आई थिंक यहीं किधर से अगर चांद वांद दिख जाए तो अच्छा है और हमारा पहला करवा चौथ है एज अ मैरिड कपल तो यू नो कुछ रीति रिवाज अच्छे होते हैं यू नो वी एंजॉय देम एंड बस जिस तरह से आप लोग दोनों गेम खेलते हैं मस्ती के साथ सो ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस जितना प्यार करती है पसंद करती है हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग फुल ऑन धमाल करने वाले हैं एंड जितना प्यार आप लोगों ने अब तक दिया है कि जितनी बार भी हम ये फैमिली मिली है वही प्यार कंटिन्यू हो और ऐसा ही आप लोग इसको एक नंबर वन शो बना दो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम सब जो यहाँ पे हैं ना हमारी डेस्टिनीज इंटरट्वाइंड हैं और हम इत्तेफाक से मिले हैं पर उसके बाद सब ने एक साथ खुशी देखी है बरकत देखी है और कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं
इसीलिए वो जो प्यार है, वो जो दोस्ती है, वो आप सबको देखने को मिलती है और उस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं। बाकी शोज़ तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन एक जो जेन्युइन बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जेन्युइन है, इसे बनाया भी नहीं जा सकता। और अगर देखा जाए तो हम लोग मिले थे ऐसे कट्टर दुश्मन चैलेंजर्स इन खतरों के खिलाड़ी, हम सब, चाहे हम दोनों हो, भारती हर्ष हो, अली जैस्मिन हो, एंड देन आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एंड पीपल हमारे एग्जांपल देते हैं एज़ फार एज़ इंडस्ट्री फ्रेंडशिप इज कंसर्न। तो यही एक्चुअली इसका क्रेडिट पूरा हर्ष को जाता है जो उसने वो खतरनाक गेम को मस्ती में मजाक में ट्रांसलेट किया। उसका इधर हो गया। ओके, सो बिग बॉस 15 कितना फॉलो कर रहे हैं आप दोनों? मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, श्वेता देखती हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें वो एक डेली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ देखना पड़ता है। लेकिन जितने भी लोग हैं उस घर में मैं ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ, और यू नो ढेर सारी बधाइयाँ सबको, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा खेलिए और बस ऐसे ही आगे बढ़िए लाइफ में। ढेर सारे फॉलोअर्स आपको मिलेंगे इस शो से और काफ़ी म्यूजिक वीडियोस भी मिलेंगे। मैं रेगुलरली देख रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरे काफ़ी दोस्त है, उसमें से निशांत है जो OTT से कंटिन्यू हुआ, एंड चाहे करण कुंद्रा हो, तेजस्वी हो, अपना शमिता हो, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, जय हो, सबको पर्सनली जानते हैं, तो एक वन ऑन वन फीलिंग आती है एंड मैं रेगुलरली देख रहा हूँ। सबसे पसंद किस क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा सबसे पसंद आई कॉस ऑफ कॉर्नर निशांत के लिए है, करण बहुत अच्छा खेल रहे, तेजस्वी बहुत अच्छा खेल रहे। एक्साइटेड हैं हम, मैं खास करके, और मैं जानता हूं कि पुनीत भी बहुत कमाल के क्रिकेट लवर्स हैं, और हम खुश हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को हम एक वर्ल्ड स्टेज पे फिर से खेलते हुए देखेंगे, और ऑफ कोर्स फुल सपोर्ट इंडिया के लिए, और कल हम जहां भी होंगे एक TV साइड में लगा होगा और सब मैच देख रहे होंगे और अपडेट्स लेते रहेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल, और ये बरकरार रहेगा, और मतलब जिस हिसाब से हमारी टीम है, मुझे बहुत भरोसा है कि इस बार हम कप घर लेकर आएंगे, खास करके क्योंकि धोनी भाई ने भी ज्वाइन किया है पूरी टीम को, एंड यू नो इट्स अ वंडरफुल टीम, और हम हमेशा इंडिया और इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। चलिए सर, आज चलिए।